दिवाकर त्रिपाठी जी आपके पास मैं आऊंगी। आंध्र प्रदेश के बाहर ये छठा मंदिर है बालाजी का, ऐसे में अगर हम समझे तो पूरे देश में बालाजी के प्रति जो लोगों की श्रद्धा है वो काफी ज्यादा बड़ी है। अभी भी हमारे संवाददाता वहां पर बातचीत कर रहे थे तो बेशक वो जय गोविंदा जय गोपाला गा रहे हैं, लेकिन बालाजी के वहां मंदिर में स्थापित होने के बाद प्राण प्रतिष्ठा के लिए इतनी उत्साहित है, इतने खुश है, और यही हाल जम्मू वासियों के साथ साथ पूरे देश भर के लोगों का भी है। जी, सबसे पहले तो संपूर्ण भारत वासियों के लिए ये एक भगवान विष्णु का आशीर्वाद है और एक उत्सव का दिन है कि भगवान नारायण का उसमें मूर्ति मंदिर का स्थापना हो रहा है और उसके कपाट मतलब आज के बाद से आम जनमानस के लिए दर्शन उपलब्ध हो जाएंगे, दर्शन प्राप्त होंगे। भगवान वेंकटेश्वर साक्षात नारायण हैं और साक्षात नारायण हम सब के रग रग में है, रोम रोम में है। वो हमारे रक्षक हैं, पालन करता है, जगत के कल्याण करता है और पूरे देश से लोग तिरुपति बालाजी का दर्शन करने के लिए जाते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग, जम्मू क्षेत्र के लोग, उत्तर भारत के लोग जाकर के दर्शन करेंगे, भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन करेंगे, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, पद्मावती माता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, उससे अद्भुत क्षण नहीं हो सकता है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में जब भी हम दर्शन के लिए जाते हैं, कटरा जाते हैं, माता दुर्गा के स्वरूप का दर्शन करते हैं, वैष्णो माता का दर्शन करते हैं, तो फिर नारायण का भी दर्शन होना बहुत जरूरी था। इसलिए बहुत अद्भुत क्षण है कि हम भगवान नारायण का दर्शन कर पाएंगे, पूजन कर पाएंगे और उनका आशीर्वाद ग्रहण कर पाएंगे। पूरे राष्ट्र में के बाहर छठा मंदिर है और भगवान चूंकि यह साक्षात नारायण का स्वरूप है, तिरुपति बालाजी जो मंदिर है वह साक्षात नारायण का स्वरूप है, इसमें अद्भुत महिमा है इस मंदिर का। इसमें अगर आप मूर्ति के निकट जाकर के और कान लगाएंगे मूर्ति के निकट जाकर सुने तो एक समुद्र में जो लहरें चलती हैं वैसा एक आवाज सुनाई देता है, जिससे प्रतीत होता है कि नारायण समुद्र में माता लक्ष्मी के साथ विराजमान होते हैं और वहां से अपना आशीर्वाद देते हैं। साक्षात नारायण वहां उपस्थित होकर के हम सभी को दिशा निर्देश जी, पंडित जी बिल्कुल आज का दिन जो है वो बेहद ऐतिहासिक है। और एक बार फिर मैं रुक करना चाहूंगी हमारे संवाददाता सुनील जी का। सुनील जी, इस वक्त जो माहौल है मंदिर का, परिसर का, वो बेहद ही खुशनुमा है क्योंकि काफी जो श्रद्धालु है वो वहां पहुंचे हुए हैं दर्शन के लिए। और जो माहौल है, एक बार फिर से चाहूंगी कि आप तस्वीरें दिखाएं मंदिर की, परिसर की। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि इस मंदिर परिसर में काफी आध्यात्मिक इस समय माहौल है और मंदिर की आप तस्वीरें देखिए। और खासतौर पर इस मंदिर का निर्माण जो है पत्थरों से किया गया है और ये पत्थर जो है खासतौर पर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से लाए गए थे, कारीगर भी दक्षिण भारत से ही आए थे और उन्होंने ही इस मंदिर का जो है भव्य निर्माण किया है। और आप देख सकते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्पों से यहाँ पर इस मंदिर को सजाया गया है। ये यहाँ का जो है ध्वजा स्तंभ है और यहाँ पर अगर हम देखें तो फूलों की खुशबू इतनी आ रही है कि अलग अलग प्रकार के फूल लगाए गए हैं, पुष्पों से इस पूरे परिसर को सजाया गया है। ऐतिहासिक दिन है जम्मू कश्मीर के लिए, खासतौर पर जम्मू शहर के लिए, क्योंकि शहर से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर श्री वेंकटेश्वर स्वामी का भव्य मंदिर बना है शिवालिक वन क्षेत्र के पास। और आप देखिए यहाँ पर भक्तजन जो है पहले ही दिन भारी संख्या में आए हैं और काफी उत्साहित हैं यहाँ पर भक्तजन श्रद्धालु, क्योंकि एक सपने से जो है कम नहीं है कि एक सपना जो है स्वप्न जो है यहां पर लोगों का पूरा हुआ है। और पहली बार जो है अगर हम देखें जम्मू में जो है एक दक्षिण भारतीय कलाकृति से एक मंदिर बना है और ये मंदिर स्वयं श्री वेंकटेश्वर स्वामी का मंदिर है, भगवान बालाजी का मंदिर है, क्योंकि सभी लोग खासतौर पर उत्तर भारत से वहां नहीं जा पाते हैं दूरी के कारण, समय भी काफी लगता है, लेकिन अब दूरियां मिट चुकी हैं, भगवान बालाजी स्वयं यहां पर अवतरित हुए हैं और लोगों में प्रसन्नता देखी जा सकती है। आप सुनील जी, दूरी की बात कही आपने, क्योंकि अभी तक हम जम्मू जाते थे तो हमेशा माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाते थे, तो अब जो भगवान वेंकटेश्वर का ये मंदिर है इसमें और कटरा में जो वैष्णो देवी है उसमें कितनी दूरी है? जी, बहुत ही अच्छी बात आपने कही। मैं आपको बता दूं कि ये जो मंदिर है ये जम्मू
श्रीनगर जो राष्ट्रीय राजमार्ग का बाईपास रोड है उसके पास बिल्कुल स्थित है। यानी कि अगर कोई श्रद्धालु जम्मू कश्मीर से बाहर कटरा आ रहा है सड़क मार्ग से, तो सड़क मार्ग के बीच में ही एक लिंक रोड जाता है, मुश्किल से एक किलोमीटर की दूरी है जम्मू कटरा जो रोड है, यानी कि जम्मू कटरा जो रोड है उससे एक बीच में ही सिदरा इलाके के पास एक किलोमीटर का लिंक रोड जाता है, वहीं पर स्थित है। यानी कि लोगों को कोई ज्यादा कठिनाई भी नहीं होगी यहाँ पहुंचने के लिए, अच्छी सड़क है यहाँ पर, फोर लेन वाली सड़क है, तो कोई यहाँ पर लोगों को कोई समस्या उत्पन्न नहीं होने जा रही है। और जम्मू शहर मात्र यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, और अगर हम कटरा धर्मनगरी कटरा की बात करें तो 50 किलोमीटर की दूरी जो है धर्मनगरी कटरा है यहाँ से, तो जो माता वैष्णो देवी के श्रद्धालु हैं वो यहाँ भी आ सकते हैं। इससे कहीं ना कहीं यहाँ जो स्थानीय जो अर्थव्यवस्था है उसको बल मिलेगा, धार्मिक पर्यटन को बल मिलेगा और काफी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। हम यहाँ पर जो भक्तजन आए हैं उनसे भी बातचीत करेंगे एक बार फिर से। जी आप बताइए आपका नाम। मेरा नाम नरेंद्र सिंह है। नरेंद्र जी आप यहाँ जम्मू से ही हैं? मैं जम्मू से हूँ। तो कितनी प्रसन्नता की बात है कि जम्मू शहर में ही मंदिर बन गया। जब ये मंदिर की शुरुआत हुई थी मैं तब से इनके साथ चल रहा हूँ। जब ये मंदिर निर्माण कार्य शुरू हुआ मैं रोज आते थे। मेरे टूरिज्म के साथ डिपेंड है, मेरी गाड़ियाँ हैं इनके साथ चलती थी। तब जब इसकी शुरुआत हुई थी तब से मैं इनके साथ चल रहा हूँ, और आज बिल्कुल रेडी है मंदिर बन के, और आज सब लोग बड़ी खुशी के साथ दर्शन कर रहे हैं, और ये टूरिज्म के लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारे जम्मू में एक इतना अच्छा भव्य मंदिर जो कि लोग बाहर दर्शन करने जाते हैं, आप तिरुपति बालाजी का मंदिर उनको इधर भी दर्शन कर सकेंगे। मुझे बताइए कि इससे यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसको कितना बल मिलेगा, और धार्मिक जो जो यहाँ पर पिलग्रिमेज टूरिज्म है उसको कितना बल मिलेगा? बहुत बल मिलेगा। अब देखिए हम कल भी इधर थे, जो कटरा गाड़ियाँ गई थी वो भी इधर आके दर्शन के लिए आ रही थी। काफी बसें आई हैं, छोटी गाड़ियां आ रही हैं, सब दर्शन करके यहां से जा रही थी, तो उसके बाद हमारा टूरिज्म को बहुत बढ़ावा मिलेगा। ये एक अच्छा गवर्नमेंट का स्टेप है।